देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती करता है और उसकी परेशानी भी यही है कि वो खेती करता है। जी हाँ, एक बार फिर से धरती पुत्र सड़कों पर आ गया है। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग किसान संगठन अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रखे हैं। आज एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा का घेराव किए जाने की कोशिशें की गई, उन्हें पंचकुला में रोक लिया गया। लेकिन सवाल ये उठा कि ऐसा क्यों है कि किसान किसी भी तरह से सरकार को संतुष्ट करवाने में नाकामयाब साबित हो रही है। सरकार के दावे एक और हैं, लेकिन जो किसानों की परेशानी है वो दूसरी और है। कमी कहां बचती है और हर एक सरकार की प्राथमिकता में रहने वाला किसान पीछे क्यों छूट जाता है? तो किसानों की स्थिति को लेकर सरकारों के वादों दावों और उन्हीं वादों और दावों की हकीकत को लेकर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। नौ मार्च को जब विधानसभा में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश कर रहे थे तो बड़े शायराना अंदाज में अपनी योजनाओं का गुणगान कर रहे थे। उनके भाषण से लग रहा था कि बजट अच्छा ही है, लेकिन अब उसी बजट को लेकर किसान मुखर हो उठे हैं। ये प्रदर्शन हरियाणा विधानसभा के ऊपर हम लेकर आए हैं। ये बजट हरियाणा सरकार ने जो पेश किया है उसमें किसानों और खेत मजदूरों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हम लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश का 100 में से 80 किसान भयंकर रूप से कर्ज में डूबा हुआ है, उसको उतारने के लिए वो अपनी जमीन बेच रहा है और नहीं तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका कर्ज माफ होगा और उनकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारी प्रमुख पहले दर्जे की मांग है कि ये सारे कर्ज जो किसानों पर चढ़े हैं ये समाप्त किए जाए, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। साथ ही हमारी मांग कि किसान जो फसल उपजाता है उस फसल के पूरे दाम मिले। लागत बहुत महंगी है, उसके डेढ़ गुना 50% जो मुनाफा स्वामीनाथन आयोग ने डिक्लेयर किया था, सिफारिश की थी, वो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली का रुख किया था, हरियाणा सरकार ने उन्हें फरीदाबाद में ही रोक दिया था। अब ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ सड़कों पर उतर आया है। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके अलावा हरियाणा के कई और इलाकों में भी किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। करनाल में भी भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने किसान को बचाने के लिए 265 रुपये गेहूं पर बोनस दिया है, हरियाणा सरकार उससे संपन्न सरकार है। इस सरकार को तत्काल अपने निजी प्रभाव से किसान को 265 रुपये बोनस दे करके 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद इसी सीजन से करनी चाहिए। नंबर दो हमारा है कि सभी मंडियों को संपूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाए। जो नकली अड़ती जे फार्म काटते हैं वो हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाते हैं, बिहार से चावल मंगा करके यहाँ पूरा कर देते हैं औने पौने भाव का, और किसानों को वो बोनस में दिया जा सकता है वो पैसा। इस लूट को अगर बंद करेंगे, सीधा सभी मंडियों को ऑनलाइन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के फटे तलवों पर मरहम लगाकर उन्हें शांत करा दिया, लेकिन देश के कई और हिस्सों में अभी भी किसान मुखर है। हरियाणा के अलावा दिल्ली में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन ने डेरा डाला है। किसान मुख्य रूप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना चाहते हैं और कर्ज माफी चाहते हैं, लेकिन इस बार का बजट भी अब उनके निशाने पर आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार दावा करती है कि उसने स्वामीनाथन आयोग की ज्यादातर सिफारिशें मान ली हैं, और बजट में भी दावा किया गया था कि किसानों के लिए बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर किसान सड़क पर हैं तो बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब अलग अलग किसान संगठन जुदा जुदा बैनर तले मुखर हो जाएं। तो क्या इस बजट से किसान खुश नहीं है? क्या सरकार जो फसलों के भाव दे रही है उससे किसान संतुष्ट नहीं है? ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ही सिस्टम में परिवर्तन की बातें हो जाती हैं, लेकिन किसानों की स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव की जो दरकार है और उम्मीद भी की जाती है, वो बदलाव नजर नहीं आता है। और खासतौर पर बीजेपी की बात कर ले तो बड़े वादे किए गए थे, अच्छे दिनों की भी बात हुई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू किए जाने की बात हुई थी, साथ ही बजट जो पेश किया गया है उसमें भी दावा किया गया है कि किसान हितैषी ये बजट है। तो किसान सड़कों पर क्यों है, क्या सरकार काम नहीं कर पाई, या फिर सरकार ने अगर किसानों के लिए काम किया तो किसानों को समझा पाने में नाकामयाब रही। चर्चा करेंगे, एक खास पैनल मेरे साथ है, संजय आहूजा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे चर्चा में, प्रवीण अत्री हैं हमारे साथ, इनेलू प्रवक्ता हैं स्टूडियो में उपस्थित हैं, और केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सत्यवान जी हैं किसानों का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में, और राजीव रंजन रॉय हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में उपस्थित हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। संजय आहूजा जी, सवाल आपसे ही है, सरकार में आप लोग हैं, क्या लगता है किसान बार बार सड़कों पर क्यों आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? देखिए, हमारी सरकार जो है, जिन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए जो कार्य किए हैं अभी 3 साल में, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी रह गई होगी कहीं ना कहीं। जैसे समर्थन पहले मुआवजे की राशि 6,000 रुपये हुआ करती थी प्रति एकड़, जो हमारी सरकार ने आते ही 12,000 रुपये की, और कुछ ऐसी जो योजनाएं हैं जो सरकार ने किसान हितैषी जो दी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसानों को इससे कोई नुकसान या कोई ऐसी चीज होने वाली है, बहुत फायदा होने वाला है, उनको समझने की जरूरत है इसी। जी, क्या आप लोग फिर समझा पाने में नाकामयाब रहे? शुरुआत इसी बात से की गई कि सरकार ने अगर कुछ कहा है, किया है, तो समझाया जाए किसानों को कि आपके लिए ये किया गया, जो भी फैसले लिए गए, अच्छे जो फैसले लिए गए, पहुंचाए जाए किसानों को। देखिए, मुआवजे की राशि जो पिछली सरकारों में 15 वर्षों में 100 करोड़ के लगभग दी गई है, जो हमारी सरकार ने 3 वर्ष में 3,034 करोड़ रुपए की राशि जो है अपटन की है, किसान जो अपना मुआवजे की राशि। तो ये तो मैं कह रहा हूं आपको कि जो हमारी सरकार ने किया है वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया, ना कि उनको कोई कर्जा लेने के लिए या कोई ऐसी चीज उनको प्रभावित करने के लिए कि वो कर्ज में डूबे। जी प्रवीण अत्री जी, किसान आत्मनिर्भर हो पाया अगर बीजेपी ने कोशिशें की? देखिए ज्योति, सबसे पहली सबसे बड़ी समस्या ही यहाँ पे ये है, क्योंकि संजय जी अभी ये कह रहे हैं कि इन्हें नहीं लगता कि सरकार ने जो कोशिशें की हैं उसमें कोई कमी रह गई है। समस्या यहीं पे है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने किसान के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये एक बात दोहराते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, आज किसान आंदोलनरत है, किसान सड़कों पे है, क्यों? कारण ये है कि सरकार लगातार किसान की अनदेखी कर रही है। किसान की जो बहुत वाजिब मांग है वो है फसल का दाम, उचित दाम। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, घोषणा पत्र में भी वायदा किया था 50% लाभ देंगे लागत पे, किसान आज अगर उचित दाम की बात कर रहा है तो वो मांग वाजिब है और सरकार को इस मांग को मानना चाहिए। लेकिन सरकार बजाय इस बात को करने के कि हमने आप वायदा किया है लागत का 50% लाभ देंगे, उसका जिक्र करने की बजाय एक बात का जिक्र बार बार करते हैं कि जी हमने मुआवजा 3 साल में इतना दे दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अब सरकार किसान को कोई मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी चूंकि सरकार में है तो इसलिए बीजेपी से सवाल कर रखे हैं, क्या किसी भी सरकार में किसानों की स्थिति बेहतर थी? इनेलो की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, क्या किसान सड़कों पर नहीं था पहले भी और स्थिति इतनी ही खराब रही थी पहले भी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब रही, इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में रही, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, सबसे पहले जननायक चौधरी देवीलाल ने किसान की समस्या को समझते हुए ये नियम बनाया कि अगर किसान की फसल नेचुरल कैलामिटी से खराब हो जाती है तो उसको उसका मुआवजा सरकार देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, किसान के खेत में जो भी उगेगा सरकार उसे खरीदेगी, ये भी एक नियम था। अब गन्ने की बात कर लीजिए कि अगर किसी ओला पड़ने से गन्ने की फसल के अंदर कोई खराबी आ जाती है लेकिन सरकार उसे खरीदेगी, वो खरीदा जाएगा। जो अत्रे सर ने कहा कि सरकार को पता नहीं चल पा रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी ये बात कही कि किसानों की जो फसल का दाम है वो दाम से 1.5 गुना ज्यादा दिया जाएगा, इससे और बड़ी बात क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री तो विधानसभा में उन्होंने कहा है।
विपक्ष कहता है कि आंकड़ों का खेल आप तय कर देते हैं कि लागत मूल्य अपने सुविधा के हिसाब से अपनी सहूलियत के लिहाज से आप किसकी बात को वाजिब मानेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री जो क्या आपने पिछले 3.5 साल में अपने वायदे के हिसाब से लागत का 50% हमने जो कार्य किए हैं वो सरकार किसान के हित में किए हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि एमएसपी को हम 1.5 टाइम्स बढ़ा करके देंगे। जो देखिए किसान का जो अन्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करते है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ यह बात अति प्रशंसनीय होती अगर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं उसके अलावा हम आपको इतना परसेंट बोनस देंगे। हाँ। तब हम कहते हैं कि देखो जी उन्होंने ये किया और स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें वैल्यू एडिशन किया, वो तो कुछ हुआ नहीं। तो किसान के प्रति आपका जो किसी भी सरकार का जो एक्स्ट्रा लगाव है, लव है, अफेक्शन है, वो तो एक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो आप इंप्लीमेंट करेंगे चूंकि आप उनके बिहाफ पे प्रोक्योर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपसे भी पूछेंगे केवल ढिंगरा जी, आपको चर्चा में जोड़ लूं एक बार फिर से किसान सड़कों पर। देखिए बात यह है कि अत्रे जी ने सारी बात रख दी लेकिन हुज्जा साहब ये मानना नहीं चाह रहे। लेकिन एक बात के लिए जो मेरा ऑब्जेक्शन है कि ये कह रहे हैं कि जननायक देवीलाल जी ने सारा कुछ शुरू किया था, तो ये मैं बताना चाहूँगा उससे पहले तो पंजाब जो हरियाणा बना, तो हरियाणा जब बना तो तब से ये मामला जो है एक मिनट कार्रवाई के लिए किसानों की दुर्दशा तो तब भी रही और देवीलाल जी के होते हुए भी रही। आप तभी 15 साल से बाहर है और आप फिर बाहर रहेंगे। जब आपने किसानों की बात उठाने से पहले INLD की जो काम किए वो उठानी है। कांग्रेस की लड़ाई नहीं है चर्चा में, क्या आप लोगों ने 10 साल में किसानों की स्थिति बेहतर कर दी थी? हुड्डा साहब ने 10 साल में बहुत बेहतर कर दी थी, क्या विरासत में किसानों की स्थिति बेहतर नहीं कर पाए? जहाँ पे INLD अपने गले में किसान का आप मुद्दा नहीं उठा रहे, आप जननायक चौधरी देवीलाल को उठा रहे हैं, वो बात गलत है। मैं आपको ये कह रहा हूँ आपको इस बात से परेशानी है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अपनी बात कहूंगा, हमारे नेता ने मैं तो अपनी बात कहूंगा। आप बताइए आप बड़े नेता कांग्रेस की बात नहीं सुनना चाहते मैडम, सुनाई हमारा पक्ष रखने नहीं देना क्या? सर आप अपना पक्ष रखिए, आपने मुझे मुद्दे पर नहीं जोड़ा इतनी देर से, मैं कुछ बोला क्या? नहीं बताइए आपका समय, ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके सामने पहले इनको रोके, आप एक डेकोरम बनाए, ढिंगरा साहब आप बोलिए, मेरे को बोलने नहीं दे रहे ना, तो बोलिए क्या किया? क्या विरासत में आप किसानों की स्थिति बेहतर देकर गए थे? इस बात का जवाब है आपके पास? अब है, बिल्कुल है, बताइए फिर। आप फिर इनको चुप कराने में बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। जिस समय हमारी सरकार आई उस समय इतने धरने प्रदर्शन हरियाणा के अंदर नहीं थे। जीरी जो थी वो 4500 रुपए तक बिकी थी। आपको नहीं, मैं आपको अब मेरी बात सुन लीजिए ना, या तो फिर आप बताइए फिर क्या था उस समय हमारी सरकार में, बताएं, या तो मेरी बात सुनिए, सुनिए 4500 रुपए में बिकी थी। मैंने कहा हमारे टाइम में 4500 रुपए तक बिकी थी, मैंने ये कहा। और अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं बिकी थी तो आप ऑब्जेक्ट करें जरूर, मैं आपको कहता हूँ ना। बाकी बात दूसरी सुनिए, जिस समय धनखड़ जी सिर गंजा लोग अपना कपड़े अर्धनग्न होके प्रदर्शन कर रहे थे, तब ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे। ये बात संजय जी से सवाल पूछने से पहले INLD और कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये बात कहना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूं संजय जी से कि आप मुझे ये बताएं, जिस समय धनखड़ जी ये कह रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए उस समय इनका वायदा था, आज ये उस बात से क्यों मुकर रहे हैं? आज सबसे बड़ी बात तो किसानों की रहे हैं, हमने सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पे संजीदगी होनी चाहिए। सर जैसे आप रुकेंगे मैं किसान नेता को चर्चा में जोड़ूंगी, जैसे ही अपना उत्तर आप पूरा कर लेंगे किसान नेता को मैं चर्चा में जोड़ूंगी। सत्यवाद, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, जल्दी थोड़ा जल्दी, 5 सेकंड
दूसरा मुद्दा इसमें यह था, बीमा राशि जबरदस्ती किसानों से क्यों काटी गई, दूसरी बात यह है, यह मुद्दे की बात है। तीसरी बात यह है कि उनका जो रेट है उसके ऊपर जो काम किया इस सरकार ने वो ये किया कि उसको 110 रुपए सिर्फ बढ़ाने का काम किया, जबकि जो लागत मूल्य है वो 2219 रुपए अगर लागत मूल्य है गेहूं का, तो उसके ऊपर 1.5 गुना इंक्रीज करके सरकार क्यों नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुद्दा भी यही है और इसी मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ना कांग्रेस है, मुद्दा भी यही है और वादा भी यही है, बीजेपी का चुनाव से पहले का वादा भी यही है। सर अब आगे बढ़ूंगी मैं चर्चा में, सत्यवान जी की चर्चा में सवाल ये है, ठीक है, इनसे सवाल करेंगे, इनसे सवाल करेंगे। सत्यवान जी आपसे सवाल ये है, आप लोगों की मांगे क्या है और परेशानियां क्या है फिलहाल? किसान 1980 के दशक से ये मांग करता रहा है कि उसकी फसल के पूरे दाम मिले, और सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो कर्ज में धंस गया है, उस कर्ज से मुक्ति मिले। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब आई तो किसानों को सुखद लगा, और 7 साल कांग्रेस की सरकार रही और अब 4 साल बीजेपी की सरकार आ गई। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने देश में घूम घूम के ये वादा किया कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। प्रदेश सरकार ने भी चुनाव में आने से पहले ये वादा किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कूड़ेदान में ये पूर्व की सरकार और आज की सरकार फेंक चुकी हैं। केंद्र और प्रदेशों में कोई फर्क नहीं है, मांगों को मान लिया गया है जो कि स्वामीनाथन आयोग की सफेद ये हमारे लिए मान ली गई नहीं, ये हमारे लिए छलावा है जी। स्वामीनाथन आयोग ने जब 50% बढ़ोतरी करके ये सिफारिश की थी तो उसमें C2 का जिक्र था, उसका मायने क्या है? मायने है कि किसान जो जमीन लेता है उसका कॉस्ट उसमें जोड़ा जाए। आज हरियाणा के रेतीली जिलों में 30,000 एकड़ और कुरुक्षेत्र में आएंगे तो 50,000 रुपए एकड़ एक साल का किराया है, और फिर किसान जो इनपुट्स खरीदता है वो बैंकों से कर्ज लेता है, सोसाइटी से कर्ज लेता है, उसका ब्याज की रकम, ये दोनों ही हमारे वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री ने नहीं जोड़ी और घोषित कर दिया कि हमने दे दिया है। अभी भी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम देंगे, भी ये था कि आप लोग जब लागत मूल्य निर्धारित करते हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको परिभाषित कर लिया जाता है, फिर नहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं किया जाता, मार्केट के हिसाब से किया जाता है। और मेरे पास जो ये बता रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, मेरे पास 2 पेज की रिपोर्ट है ये, जो हमने स्वामीनाथन की काफी जो योजनाएं थी वो इसमें लाए हैं हम, मेरे पास 2 पेज की रिपोर्ट है। क्या दो ही पन्नों की रिपोर्ट थी सर ये? नहीं, 2 पन्नों की रिपोर्ट नहीं थी, मैंने ये बताया कि जो किसान बेहतरी के लिए काम किया गया है, जो अब तक के काम किए गए, जो बात आपसे पूछी जा रही है उस पर भी जवाब दे, क्या आपने MSP का 50% इंक्रीज कर दिया या नहीं किया, ये बताएं आप। नहीं, मेरी वो जानकारी में नहीं है कि आपकी जानकारी में नहीं है तो फिर किसानों की जानकारी में, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किसानों की जानकारी में है, जब धरती पुत्र की बात आती है, सरकार ने क्या किया, सरकार के प्रवक्ता को अगर जानकारी नहीं होगी सर ये बहुत परेशान करने वाली बात है। मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं है, आप लोगों ने MSP का क्या 1.5 गुना दिया, क्या इस बात की जानकारी है? मुख्यमंत्री आपको नहीं पूछ रहे, उनसे पूछ रहे। अत्रे साहब, रबी के अधिकांश फसलों को MSP का 1.5 गुना दिया जा रहा है केंद्र में, कहा गया वित्त मंत्री की ओर से, और खरीफ की जो फसलें हैं उनका भी 1.5 गुना हम देंगे लागत से। ज्योति, यही छलावा है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए ये बात बोली कि हम खरीफ की फसलों का 1.5 गुना दे रहे हैं, इस तरह का उन्होंने जिक्र किया। अभी सत्यवान जी ने जिस तरह से बताया, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो केंद्र का एक कमीशन है जो निर्धारित करता है लागत को, पहली चीज कि जो आप लागत निर्धारित कर रहे हैं उसके अंदर जो किसान की जमीन की लीज मनी है आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और किसान के जो इंप्लीमेंट्स है ब्याज है इनको आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, देखिए स्टेट वाइज जो है वैसे भी कॉस्ट में फर्क आता है, जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी है तो किसान की कॉस्ट बढ़ेगी। अब आप केंद्र के अंदर बैठ के जो कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, अगर मैं उसका भी जिक्र करता हूं, मैं गेहूं की बात करता हूं, कमीशन ने गेहूं का लागत मूल्य डिसाइड किया 2090 रुपए,
लेकिन आप जो उसका एमएसपी डिसाइड कर रहे हो 1625 रुपए, और हरियाणा सरकार कहती है जी 110 रुपए बोनस देके 1735 रुपए देंगे, लेकिन लागत तो किसान की ज्यादा है, आप उसको दाम कम दे रहे हो, तो किसान को नुकसान पे अपनी फसल बेचने में मजबूर होना पड़ रहा है। ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, ढींगरा जी ने अभी जिक्र किया, ढींगरा जी थोड़ा सा परेशान पता नहीं क्यों लगे। देखिए ढींगरा जी, अगर यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस इनेलो बैठी है तो वो अपनी अपनी बातें करेंगे। अभी सत्यवान जी ने भी जिक्र किया, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जिसका बार बार जिक्र होता है, जून 2006 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, जून 2006 में आई थी, सत्यवान जी ने गलत बोला थोड़ा सा, जून 2006 में ये रिपोर्ट आई थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, बार बार आश्वासन देने के बावजूद कांग्रेस ने भी धोखा किया किसान। कौन आश्वासन? अरे हमने बताओ ना, अब डेकोरेट में रखी है, अब मैं आपको जवाब आश्वासन की बात कर रहा हूं, आपको डेकोरेट में हमने कौन से कहां लिखा था कि ये लागू होगी? अब डेकोरेट हमारे टाइम पे बहुत था, अमाउंट मिल रही थी, आयोग उसको बनाया था, कमेटी बनी थी, मुख्यमंत्री बनाया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सरदार प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार उस कमेटी में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी को हेड कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस वो कमेटी ये बात कहती है किसान को लागत का 50% लाभ मिलना चाहिए, तो हुड्डा साहब सो क्यों रहे थे? आपकी केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में आप थे, आपने लागू क्यों नहीं करवाया उसको? क्योंकि आपने किसानों के साथ धोखा किया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। बीजेपी का चुनावी वादा भले ही रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल भी बार बार आएगा पैनल पर जब किसानों की बात होगी। देखिए मैम, पहले ही मैं बात वही कर रहा था कि हमारे टाइम पे माहौल था जिससे किसानों को परेशानी नहीं थी, वो सड़कों पे नहीं आते थे। आपको ये फिर बार बार कहना चाहूंगा, जीरी जो है 4500 रुपए तक बिकी थी, जब आपकी लागत मूल्य से डबल रेट पे वो बिक्री थी, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा उस समय माहौल था, माहौल में किसानों को आपको 100 रुपए मिल रहे हो, 50 रुपए की दरकार हो तो आपको 100 रुपए मिल रहे हो, तो आप किसान सड़कों पे नहीं आएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार थी उस समय, मेरा पक्ष रखने दे, ये बात इनका जवाब दिया जो इन्होंने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 117 रुपए गन्ने का मूल्य था जिस समय हमारी सरकार आई थी, हमने उसको 320 रुपए तक लेके गए, आज इन्होंने 3.5 साल के अंदर सिर्फ 10 रुपए बढ़ाया। आप ये बताएं कि उस समय 117 था या नहीं था? 117 था, 320 रुपए तक बढ़ाया, दाम मिलते सिर्फ 10 रुपए बढ़ाने का बीजेपी ने जो काम किया, पैसा कम मिल रहा है, हमारी सरकार ने हाथ हाथ दिया पैसा। दूसरी बात, जो पानी जो हरियाणा की दादूपुर नलवी जो हमारे टाइम पे खुदाई हुई जिसकी, ठीक है सर, अभी के लिए जवाब काफी है सर, एक बार वो भी किसानों से जुड़ा हुआ मामला होती, अगर आप जो किसानों से जुड़ा हुआ मामला उससे पानी मिलता है, दादूपुर नलवी नहर को लेकर पिछली सरकारों ने क्या किया ये भी छुपाने की है, किस तरह से क्या रिपोर्ट देने की नौबत आ जाती है, दूसरी बात कितना बनी और कितनी बन जानी चाहिए थी, क्या योजना लेकर चले थे, एक अलग विषय। सवाल ये है सत्यवान जी की, सिर्फ 50% लाभ देकर 1.5 गुना दाम का इस सवाल नहीं है, जो सरकार घोषित करती है बाजरा का रेट, गेहूं का रेट, ज्यादातर किसान डिस्ट्रेस सेल करते हैं, मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचते हैं, सरकार उसको नहीं खरीदती है, तो 50% लाभकारी दाम की तो बात ही छोड़िए। बीजेपी कह रही है कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे 2022 में, मैं पूछता हूं कि बीजेपी ने बता दिया किसान की आज आमदनी कितनी है? 5000 रुपया। हरियाणा का किसान छोटा किसान है, 80% छोटा किसान है, 5000 रुपया प्रति महीना उसका आमदनी है। तेल के दाम विश्व बाजार में गिरे, वो सारा कंपनी हड़प गई या सरकार ने टैक्स लगा के ले लिया, किसान को लाभ नहीं दिया। इनपुट्स के दाम बढ़ रहे हैं तो लागत खर्च बढ़ रहा है, लेकिन किसान को उसका दाम नहीं दिया। दूसरे बात है कि जो कर्ज माफी का सवाल था, वो कर्ज माफी का सवाल सरकार की नीतियों की वजह से है। बाजरा में 300 रुपया घाटा हुआ है, गेहूं में इतना घाटा हुआ है, तो एक पर एक फसल में घाटा हो रहा है जी। तो और इनपुट्स के दाम बढ़ रहे हैं, खाद थानों में बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि किसान को बटा था सर, अभी तो उसका फसल का दाम नहीं मिला, स्थिति खराब नहीं है, उसका फसल का दाम नहीं मिला, डंडे पड़े किसानों को, जो थानों के अंदर डंडे पड़े इस राज्य में किसानों को। ज्योति जी, सत्यवान जी से एक सिर्फ सवाल पूछना चाहूंगा, क्या पिछली सरकारों में बाजरे और मूंग की खरीद की जाती थी? अरे जो हमारी सरकार ने 2 साल से खरीद ली है, देखिए हमारे लिए सवाल ये है, आपसे जो सवाल है, अब आप मुंह और जवाब पे आ गए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में आपके पास सवाल नहीं है, हो रहा है
हमारी सरकार पिछले दो वर्ष से मंडियों में इसकी खरीद कर रही है। मुक्ति का नारा लेकर आए थे कांग्रेस के शासन में जो हुआ एमएसपी से आप वही लागू कर रहे हैं, किसान को क्या फायदा। सत्यवान जी से सवाल किया गया, सर इस बात का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों ने नहीं किया तो बीजेपी भी नहीं करे, ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल जनादेश आप लोगों को दिया गया है। बीजेपी में कांग्रेस का भूत पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा तभी वो सत्ता से गए हैं। सवाल है कि किसान को उसके दाम दिए जाए। चीज तो ये है संजय जी, को ये बता दूं कि बाजरे की खरीद सरकार करेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये नियम बनाया था, उससे पहले बाजरे खरीद नहीं होती थी, इनको क्लियर कर दो। दूसरी चीज जो बात ये बाजरे खरीद के कर रहे हैं, अगर जो पिछली बार बाजरा बिका था संजय जी, उस वक्त भी हमने इस बात का विरोध किया था, बाकायदा आंदोलन किया था कि किसान बाजरे में लूट रहा है। जो एमएसपी है आज किसान को वो भी नहीं मिल रही, और इस वक्त भी जो सरसों है एमएसपी 4000 रुपए और किसान मजबूर हो रहा है उसको 2225 रुपए बेचने में, ये तो खेल खेल रहे हैं आप। जी देखिए, किसान जो है वो सियासत का मुद्दा रह गया है, वो वोट बैंक के अलावा किसी भी पार्टी को कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि किसान आज हिंदुस्तान में फुटबॉल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी, देखिए केंद्र में इन दोनों पार्टियों की सरकार रही है और केंद्र में इनकी सरकार रही है, और इन दोनों ने केंद्र में फार्मर्स की जो लार्जर पॉलिसीज बनते हैं केंद्र पे बनता है, तो उसके बावजूद फार्मर्स की प्रॉब्लम में कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मैं बता दूं कि रिकॉर्ड के लिए आप हमारे दर्शकों को यह भी बताना, जो हिंदुस्तान में दो मात्र ऐसे नेता हुए जिन्होंने किसानों के लिए बड़े दिल से और बड़े दिमाग से उनके लिए काम किया, एक चौधरी देवीलाल थे और एक चौधरी चरण सिंह थे। इसके अलावा आज तक हिंदुस्तान में एक भी नेता पैदा नहीं लिया जो यह कह सके ईमानदारी से कि हम किसानों के नेता हैं, क्योंकि किसानों को इन्होंने धीरे धीरे कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में फेंक दिया है। आज सीड्स इनको बाहर से खरीदना पड़ता है। हमारे इंडियन कंपनी सीट क्यों नहीं बेचती है, क्यों हम बाहर के सीट ले रहे हैं, इसके पीछे क्या पॉलिसी है, यह भी समझने की बात नहीं है। और किसानों की प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, इनका जो टोटल कॉस्ट है, चाहे जमीन अगर लीज का है, अपनी जमीन है, जितना अगर 100 रुपया अगर उस पर टोटल कॉस्ट खर्च हो रहा है तो 150 रुपया आप दीजिए ना। आप एमएसपी बढ़ा करके क्या उससे पर्पज सर्व हो रहा नहीं हो रहा। और किसान का जो लोन है वो बहुत नॉमिनल इन पे कर्जे हैं। भारत सरकार पे देखिए अभी 8.5 लाख करोड़ रुपया का एनपीएस बना हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर के पड़े हुए, उनको ये माफ कर देते हैं, किसानों के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल किसान इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इनको इस तरह फुटबॉल हमने क्यों बना रखा, इससे स्पष्ट है हमारे नियत में खोट है, नियत में खोट है। राजीव जी ने बात, उद्योगपतियों के 4.5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए को सरकार बैड डेट्स में डाल देती है, पूरे देश में किसानों पे मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण है। किसानों की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा के किसान कितने खुशहाल हैं, बीजेपी ने कितने कदम उठाए हैं, किसानों की स्थिति सुधरे इसके लिए कितनी मंशा है सरकार की। साथ ही आप भी इस मुद्दे को लेकर राय दे सकते हैं, फोन हमें कर सकते हैं कि किसानों की स्थिति क्या है वाकई और सरकार क्या कर रही है। फोन कर सकते हैं, लगातार हमारा फोन नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। केवल ढिंगरा जी, सवाल आपसे है, जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी, आपको क्या लगता है अब परेशानी कहाँ है सरकार को? देखिए सरकार को परेशानी जो होगी वो तो सरकार बताएगी, क्योंकि प्रवक्ता जी ने तो यही कह दिया कि हम तो, मेरे को तो ये मालूम ही नहीं है कि एमएसपी का 1.5 गुना होता गया। जब ये प्रवक्ता बोलेंगे तो फिर काम है, बिल्कुल नहीं कर दिया कि नहीं कर दिया, फिर बता दे फिर आप बात कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं कर रहे बात को। आप पहले कह चुके हो ये बात डिबेट में, चलो आपको मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। देखिए जब हमारी सरकार, केवल ढिंगरा जी माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, राजेश मित्तल हैं हमारे साथ यमुनानगर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मित्तल साहब बहुत स्वागत है आपका, चर्चा में राय दीजिए। मैम पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ खबरें अभी तक का जी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं, हमारे अपने साथ बैठे हैं सामने जी। या हौजा जी बैठे हैं, सबसे पहले तो इनसे ये पूछा जाए भी दशा सुधारने के लिए किसान मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होता या किसी के पास समय नहीं होता, ये क्या चक्कर है हरियाणा के अंदर जी? हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर किसान की अगर दशा सुधारनी है, सबसे पहले ये ब्यूरोक्रेट है ना जो हमारे, ये सुधरेंगे तब जाके हमारी, ठीक है इस बात का जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर बड़ी बात आप देख रहे हैं, आप भी आज कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आपसे जुड़ा ये मुद्दा हमने उठाया है। केवल ढिंगरा जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद संजय जी से जवाब लेंगे। देखिए मैं किसानों की बात रखने आया हूँ, मैं अपनी बात नहीं रखने आया, ना कांग्रेस की बात करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा ना मैं किसकी करेंगे, कांग्रेस की नहीं करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। अरे मैं आपने कहा कांग्रेस की नहीं करेंगे, मैं कांग्रेस की मैं ये कह रहा हूँ। अरे उद्धव जी आप बोलो क्या कहना है, बोलता आप बोलने ही नहीं दे रहे, समझ में आ रहा
सर सुनिए, पक्ष जानेंगे आज दर्शकों का, बहुत जरूरी है। दर्शक क्या सोचते हैं सुनिए, आवाम क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है। आप लोग अपनी अपनी बातें करेंगे लेकिन आम जनता क्या सोचती है किसानों को लेकर। सुमित है अंबाला से फोन लाइन पर। सुमित बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकार ने भावांतरी योजना लागू की है वो मैम सारी फसलों पर लागू होनी चाहिए मैम। हाँ। हमारी सरसों, तोड़ी, सूरजमुखी, मक्की, मूंग बहुत फसलें हैं मैम, तो ये सभी पे लागू होना चाहिए मैम। और हाँ जी, और दूसरी बात मैम मैं कहना चाहता हूँ, आज चाहे किसी भी छोटे से छोटे किसान को मंत्री बना दो, कल को वो भी नखरे दिखाने लग जाएगा। बिल्कुल, वो भी इस चीज पे आ जाएगा मैम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बड़ी बात में अपनी राय देने के लिए। संजय कोसली से हमारे साथ हैं। संजय क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। किसानों की आय को इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दोगुना करने का फैसला लिया था अपना घोषणा पत्र में। स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज हमारा हर किसान दुखी है इस सरकार के हताश है जी। तो सरकार किसानों के लिए क्या करेगी? बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या किसान जो हैं और आम जनता जो है, खासतौर पर खेती जो लोग करते हैं, खेती से जुड़े हैं, क्या सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? इस बात का जवाब दे सकती हैं, फोन कर सकती हैं। संजय आहूजा जी, अभी आपने दर्शकों को सुना, आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन 2019 तक का आप लोगों को जनादेश मिलता है, आप लोग बात करते हैं 2022 तक की। बिल्कुल जी, हम तो 2022 में भी, हम 2019 में भी वापिस आएंगे, और ये बड़े पक्के तौर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने किसानों के पास ही 2019 में वोट मांगने जाना है, हरियाणा की जनता के पास जाना है, उसी को विश्वास में लेकर बात कर रहा हूं मैं। 2019 तक का जनादेश मिला है, जितने वादे आप लोग करते हैं, कोई भी सरकार सामान्य तौर पर 5 साल के कार्यकाल में अपने काम को पूरा करती है। अत्रे साहब, फिर बात होती है 2022 तक की, एक बार फिर से सत्ता में लेकर आएंगे तो उन वादों को पूरा हम करेंगे। ज्योति, यही तो छलावा है। देखिए, बात की जाती है कि 2022 तक किसानों की आमदन दुगना करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले साल का आया था, उसमें बाकायदा सरकार ने ये बात माना कि पूरे देश के लगभग 74% किसान ऐसे हैं जिनकी डेली की अगर इनकम निकालते हैं तो 67 रुपये पर डे के करीब बैठती है। हाँ। मोटा मोटा 3,500 रुपये पर मंथ। अगर 2000, मैं मान लेता हूँ चलो सरकार ने जो बात कही कि 2022 तक दुगनी कर देंगे, तो 2022 तक वो कितनी बन जाएगी? 6,000 रुपये पर मंथ। और 2022 में जो एवोल्यूशन ऑफ मनी होता है, स्पीडली जिस तरह से हो रहा है, मुद्रास्फीति जिस तरह से बढ़ती है, उसकी अहमियत क्या रहेगी 6,000 की, ये बताए सरकार? मुझे हैरानी होती है किस तरह के टारगेट डिसाइड किए जा रहे हैं, केवल किसान को छलने की कोशिश हो रही है। सही चीज ये है कि किसान आज मांग कर रहा है कि कर्ज माफी करो, तो कर्ज माफी किसान की होनी चाहिए। किसान ये कह रहा है कि लागत का 50% लाभ दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। दर्शक है सर हमारे साथ, किसान को, कुलदीप है हमारे साथ झज्जर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुलदीप स्वागत है आपका, राय दीजिए। जी मैडम, मैडम ये तीनों पार्टी बैठी है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक उद्योगपति को कितने टाइम और कितने पैसे में ये लाइट का कनेक्शन दे देते हैं, और किसान को कितने पैसे देते हैं, क्या है उसमें फर्क? जी, इसमें मैं एक चीज कहूंगा, किसान बहुत गरीब सवाल पूछा है, कितने पैसे में देते हैं उसको? चलिए जवाब देंगे, आप कार्यक्रम देखते रहिए, शुक्रिया आपका। सरकार ने क्या किया, लगभग 37,000 ट्यूबवेल कनेक्शन की एप्लीकेशन सरकार के पास पेंडिंग थी, जो किसान ट्यूबवेल कनेक्शन मांग रहे थे। 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया जो है किसान से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट लिया गया। जल्दी जाओ, सरकार ने सभी एप्लीकेशंस वापस कर दी और ये बोल दिया कि किसी भी किसान को नया ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा। और ये तब एक बात का सवाल का आप भी जवाब दे दें, आप ये बिजली के ऊपर पहले जब किसान से बिजली दी जाती थी कितने में दे रहे थे, ये बताएं आप। 65% इलाका डार्क जोन में जा चुका है। हाँ। 20% इलाका क्रिटिकल जोन में है, और यही लड़ाई है कि किसान को पानी चाहिए, इसलिए तो एसवाईएल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए ट्यूबवेल पे बिजली का क्या रेट दे रहे हैं जब आपकी सरकार की लड़ रही है? आप उनसे सवाल पूछे, अत्रे जी जो सारी बात बोल रहे हैं, बिजली का रेट क्या दे रहे थे जब इनकी सरकार की? भी सवाल किया जाएगा, आप लोग भी सत्ता में रहे। अत्रे साहब, बिजली का रेट आप लोग क्या देते थे, ये कांग्रेस का सवाल है आपकी पार्टी के लिए। वैसे ढींगरा जी ने बड़ा गलत सवाल पूछ लिया, आपको बता रहा हूँ कि हमने जो 24 घंटे किसान को बिजली दी ट्यूबवेल पे, और किसान का तो बिल जो है वो केवल, अरे रेट पर यूनिट में, अरे झूठ ना बोलो, आप ये बताओ रेट क्या था उस
दर्शक है हमारे साथ दिनेश नरवाना से फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश राय दीजिए अपनी, सर एक बार के लिए प्लीज सुनेंगे, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश बहुत स्वागत है आपका, राय दीजिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, जी हेलो, ऐसा है जी, जितने भी ये बैठे हैं ना जी, एक भी किसान नहीं है जी इनके अंदर से, ना इनकी किसानों की बातों के बात का पता जी। भाई मैं हूँ, किसी भी किसान ने आज तक किसी भी पार्टी से ये निकाल के हमारे कर्जे माफ कर दो या बिजली के बिल माफ कर दो, तो आपको बेहतर आपको माफ कर दे जी। हर अच्छे बीज, अच्छा खाद, अच्छा पानी की डिमांड रखी गई है, कभी भी किसी ने बता दो, ये सत्यवान जी बैठे इनकी मांग डिमांड करी है बिजली के बिल माफ कर दो, कर्जे माफ कर दो, कुछ नहीं जी, बिल्कुल ठाक से है जी जमींदार, ये नेता लोग है नी, ये बदमाशी कर रहे हैं जी। जी शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिक्कत यही है कि सियासत ही परेशान करती है, किसानों के मुद्दे हुबहू बने हुए हैं, मांगे भी लगातार बरकरार हैं। सत्यवान जी फिलहाल मांगे क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं बीजेपी सरकार से? पिछले 20 साल से रोजाना 2035 किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? उनके खेतों में पानी नहीं है, उनके जो खाद बीज कीटनाशक औजार ये महंगे हैं, डीजल बिजली ये सब महंगा है, और जब बाजार में वो अपनी फसल ले जाता है तो उसके दाम व्यापारी नहीं देते, क्योंकि किसान को लूट के उन्होंने मुनाफा कमाना है। सरकार इसको सपोर्ट करती है, तो हमारी मांग है आज जो कर्ज आज जो कर्ज किसान पर चढ़ा है वो किसान की फसल का दाम न देने की वजह से चढ़ा है, उसकी खेती उपयोगी चीजों के दाम बढ़ाने से चढ़ा है। तो हम कहते हैं कि हम जो कर्ज माफी मांग रहे हैं, हमको भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने सरकार को इस देश को दिया है, उस देश सरकार कस्टडियन है, हमारा वापस दे। 11,000 करोड़ रुपया एनपीए के रूप में बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया है, अरबों रुपया टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार ने सत्यवान जी ये कहा कि हमने सारी तेल पे पानी पहुंचा दिया, ये बीजेपी वाले बैठे हैं ये कह रहे हैं, ये तो विधानसभा में बोल रहे हैं, बिल्कुल पहुंचा दिया, ये मेरे पास रिपोर्ट है, हसनपुर और दनचेली माइनरों में 39 वर्ष बाद पहली बार पहुंचाई, आज हमारा पहुंचाने का काम किया, आज हमारा डेलीगेशन हम हरियाणा कह रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? सीएम से हमारा डेलीगेशन मिला था, हमने बताया कि बहुत सारे प्रदेश के हिस्से हैं जहाँ नहरी पानी तो है ही नहीं, और जहाँ नहरे हैं वहाँ गादड़ लोबड़ झाड़ी ये सब हैं, किसान जो है मर रहा है, सूख रहा है। संजय आहूजा जी, ये सरकार को स्थिति नजर क्यों नहीं आती? सरकार को ही स्थिति नजर आनी चाहिए, विपक्ष को दिख जाता है। सुनिए एक बार के लिए, किसानों के साथ जो बीत रहा है, जो गुजर रही है फिलहाल स्थिति, वो सरकार को नजर क्यों नहीं आती? आप कौन सा चश्मा लगाती है सरकार? बिल्कुल नजर आती है, ये कोई INLD का चश्मा नहीं है जो टीम का लगा हुआ उस पर नजर नहीं आता। मैं बता रहा हूँ आपको, विपक्ष को नजर आता है किसान परेशान है, विपक्ष में आप लोगों को भी नजर आता था। बिल्कुल, पूर्वोत्तर सरकारों ने जो किसानों के साथ छलावा किया है, जो उनको कर्ज में डुबोने का काम किया है, और कर्ज माफी का जो उनको लालच देकर ये काम किया है, किसान भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया। चलिए जवाब दीजिए, क्या हरियाणा के किसान खुशहाल हैं? बीजेपी सरकार को ये लगता है? बिल्कुल, मैंने नहीं कहा कि वो पूरी तरह से खुशहाल है, सरकार इस और काम कर रही है कि उनको आत्मनिर्भर करे, ना कि किसान उनको मुआवजा माफ करने पर को मजबूर करे कि वो कर्जा क्या दे, कैसे करेगी, उसके बाद वो माफी की मांग बोल के करेगी या सच बोल के करेगी? बिल्कुल, मैंने झूठ तो आप बोलते थे तभी तो आपका 10 साल में यह हाल हुआ, और हुड्डा साहब का भी क्या होने वाला आपको भी पता ही है। आपने अगर आप लोग किसानों के अच्छे दिन लाएंगे तो रोड मैप क्या है आहूजा साहब, ये तो बताएंगे, ये बताएंगे आपकी रोड मैप क्या है, तैयारियां क्या है, क्या सोचकर चल रही है सरकार किसानों को लेकर? देखिए, मैंने वही बताया, टेल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है, और वो पहुंचाएगी वहां तक, और आ, 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 और तो पहली बात और दूसरी बात तो ये कह रहे पहुंच गया, बिल्कुल जहां जहां पहुंच आप कह, मैंने ये सारी जगह नहीं कहा पहुंच गया, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं इस चीज के लिए, तो आप राजनीति कर रहे हैं इस मामले में। और दूसरी बात, चलिए एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अपना नाम बताएंगे और राय देंगे। हेलो जी, नाम बताएंगे और राय देंगे। मैं गाँव सटोला जिला सिरसा हरियाणा से प्रहलाद कुमार बोल रहा हूँ जी। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सब जी, पहले तो जी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने कुछ देर पहले वक्तव्य दिया था भी किसानों के दो नेता हुए थे, तो मैं उनका वक्तव्य सही कर रहा हूँ जी, किसानों के दो नहीं जी, सर छोटू राम भी है किसान नेता थे। तो अब आजीवाजी बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो बात कह रहे हैं कि किसानों को क्या चाहिए, यह दिया यह दिया, आज तक किसान दोनों पार्टियों ने किसानों के छल के सिवा कुछ नहीं दिया।
दो चीजें मांग रहा हूँ जी, वो दे दे किसान कुछ नहीं मांगेगा, ना स्वामीनाथन मांगेगा ना कुछ नहीं मांगेगा। बीजेपी वाले तो ये बता दे जी, जो अमित जय शाह जी ने 50,000 से कंपनी शुरू करके 16,000 रुपए का टर्नओवर किया, और बिल्कुल वहां से बता दे वो फॉर्मूला किसानों को भी बता दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय देने के लिए। राजीव रंजन जी, जिस तरह से भावांतर योजना की बात हुई, क्या इस तरह के जो फैसले सरकार लेगी उससे अच्छे दिन आ सकते हैं किसानों के? ये देखिए ज्योति जी, किसानों के अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आएंगे जिस प्रकार के से सरकार काम कर रही है किसानों के हित के नाम पे। मैं आपको बता दूं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनकी इनकम 3 से 4 हजार अगर बनती है, उसका इनकम आपने अगर डबल भी कर दिया तो उसे क्या होगा? कोई फर्क नहीं। मेरा एक पत्रकार के रूप में मैं शुरू से यह कह रहा हूं कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जब तक वो पढ़ना चाहें सरकार उसके फाइनेंस करे, उनकी लड़कियां हैं उनकी शादी की पूरे खर्चे उठाए, अगर वो बीमार पड़े तो उनकी पूरे खर्चे उठाएं, और इसके बाद फार्मर्स को आप पूरा कंपनसेट दें, तब उसमें थोड़ा सा जान आएगा। अगर आपने उनका डबल इनकम हो भी गया, मैं मान लेता हूं, लेकिन उसे फर्क क्या पड़ेगा बता दीजिए ना। अगर 2 बच्चे हैं किसान के, 3 बच्चे हैं, और अगर उनकी इनकम 7,000-8,000 रुपया है, उसमें क्या होगा आप कोई बताएं ज्योति जी? 10,000 रुपया भी हो जाएगा। एक किसान है कुरुक्षेत्र के गाँव में 10,000 रुपया कमा रहा है, क्या वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला सकते हैं कॉलेज में? बिल्कुल नहीं। एक लार्जर स्केल पे इस पे काम होनी चाहिए। ये तो लिप सर्विस है, देखो फुटबॉल के तरह कभी कम हवा देकर के आप यूज कर लेते हैं, कभी पूरा हवा देकर के यूज कर लेते हैं, ये तो चलते चला रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। स्थिति जब बिगड़ती है आप लोग राहत दे देते हैं, लेकिन हरियाणा के जो किसान है उनको गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं ये बात सिरे से नकारता हूँ कि हरियाणा की सरकार किसान हितैषी नहीं है। किसानों के हित के लिए उन्होंने कितने काम किए। ये किसानों की सब्सिडी जो उनके सीधे अकाउंट में जाती है, पहले नहीं जाती थी, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है कि उनकी जो सब्सिडी का पैसा है वो सीधा उनके अकाउंट में जाए। 265 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ाया गया, क्या हरियाणा सरकार भी एक कदम उठाएगी? हरियाणा के किसान भी सड़कों पर हैं। बिल्कुल, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और वो काम करेगी जरूर। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा कब का है, कितना पुराना कर्जा उनका चलता आ रहा है। हमारी सरकार किसानों को इतना वो बना देगी, संपन्न बना देगी कि वो कर्जा लेने पर मजबूर ही ना हो। स्टेट गवर्नमेंट फसल के ऊपर बोनस देती थी जी। मोदी सरकार ने आते ही राज्य सरकारों को बाध्य किया कि जो अगर बोनस देगी तो हम उसको कोई ऊपर से जो सहायता है, आर्थिक सहायता पैकेज नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये रिकॉर्ड है। केवल ढिंगरा जी, महाराष्ट्र में जिस तरह से मनाया गया किसानों को, हरियाणा में सरकार कोशिशें करने फिलहाल तक जरूरी नहीं समझते? देखिए महाराष्ट्र में भी एक इस तरह से है क्योंकि उन्होंने देखा कि जन क्रोश किसानों का बहुत ज्यादा है। हाँ। इसलिए उनकी बातें सीधी सिर्फ सिरे से हाँ की है, लेकिन आपको ये बता रहा हूं नोटिफिकेशन कोई सरकार नहीं ये करेगी। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये कितने मुद्दों पे यू टर्न ले चुकी है आप देख लीजिए। प्रदेश और देश के अंदर मोदी जी ने कितने यू टर्न लिए हैं ये सारे सोशल मीडिया के अंदर है। ये किसानों के साथ छलावा है। स्वामीनाथन में बहुत भी पंजाब के समान वेतनमान पे यू टर्न है, स्वामीनाथन रिपोर्ट पे यू टर्न है, और कई इस चीजों पे, और मोदी जी के रिटर्न सारे मांगों के ऊपर यू टर्न है। ये ठीक है, चलिए एक दर्शक को सुनते हैं। कर्मवीर है हमारे साथ, क्षेत्र से फोन लाइन पर इंतजार हमारा कर रहे हैं। कर्मवीर जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, राय दीजिए। नमस्कार मैम जी। मैडम जी, ये जो किसान है, किसान का जो खेती करता है इसमें इसको घाटा पड़ रहा है। अगर किसान अपनी खेती छोड़ दे तो क्या खाएगा जी? मेरा यही सवाल है मैडम। चले सवाल का जवाब लेंगे अत्रे साहब। खेती जो है घाटे का सौदा है, किसी भी सरकार ने किसी तरह का सुधार नहीं किया, कम से कम उतना नहीं किया जो दिखे। देखिए ज्योति, आपने अभी संजय जी से एक सवाल पूछा था कि 235 रुपया अगर सरकार बढ़ाती है दूसरे प्रदेश में, हाँ, तो क्या हरियाणा सरकार बढ़ाएगी? उन्होंने एक बात कही कि सरकार प्रयासरत है। मुझे हैरानी होती है, विधानसभा का सेशन चल रहा है, किसान का रेट बढ़ाने की बात है, बोनस देने की बात है, उसमें प्रयासरत होने की क्या जरूरत है? अनाउंस करते मुख्यमंत्री जी कल सदन के अंदर कि हम किसान को 2,000 रुपया देंगे प्रति क्विंटल। उसमें प्रयासरत होने का कहां से आ गया? क्षेत्र की बात है, आप अनाउंस कीजिए, नोटिफिकेशन दीजिए, किसान को 2,000 रुपया प्रति क्विंटल मिलना शुरू हो जाएगा।
ये तो मुख्यमंत्री जी निर्णय ले सकते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेके उसको अनाउंस कर दे। कौन सी बड़ी बात है प्रयासरत होने की? प्रयासरत क्या होता है? क्यों यहाँ पे आप शब्दों की बाजीगिरी कर रहे हैं? क्यों यहाँ पे उनको पेपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों यहाँ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मिलने के लिए नाराज है, वो मिलता ही नहीं बोला। नहीं देखिए, रेट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। बहुत सही कहा अत्रे साहब ने ये बात, अगर मंशा है आप लोगों की तो रेट बढ़ाने के लिए इतनी तैयारियां क्या कर रही है सरकार को। आखिरी दर्शक हैं हमारे साथ, वीरेंद्र हैं जींद से, फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका, राय दीजिए। नमस्कार मैडम जी। जी मैम, ये जो सरकार है मतलब जमींदार के खातों से धक्के से फसल बीमा के लिए पैसे काट रही है। मैंने 2015 में ये सफेद मक्की जैसे फसल खराब हुई थी कपास की जी, और उस कपास में जो मुआवजा, ये मुआवजे का ढिंढोरा ये सरकार पीट रही है ना, वो मुआवजा वो जो गुरुद्वारी जिन्होंने की है, किसी से 2000 रुपए किला लिए, किसी से 3000 रुपए किला लिए, वो मुआवजा उन लोगों को दिया जो उस चीज से वंचित थे। और इस सरकार ने मेरे गांव से एक पटवारी ने इतना मतलब गोलमाल किया, हाँ। पूरे गांव से 3 लाख रुपए रिश्वत गई जी। और मैंने उसके खिलाफ सीएम विंडो में कम से कम 1 साल तक लगातार शिकायतें की, लेकिन एक शिकायत पर भी मेरी पे सुनवाई नहीं हुई। चलिए शुक्रिया, इसी विंडो पर चर्चा करेंगे। आहूजा साहब, क्या सबसे ज्यादा मुआवजा दिए जाने का सच इसी तरह का है? बिल्कुल नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, क्या कहाँ से थे ये? जींद से थे। इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सीएम विंडो की जो कंप्लेंट नंबर है वो भेजे और इन अपना मोबाइल नंबर देखिए, मैं तो इस बात को सिरे से नकारता हूँ। आप विधानसभा में सीएम साहब ने चेक दिखाए, हमारी सरकार ने बोले कल इसी बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम विंडो के शिकायत किया चलिए एप्लीकेशन नंबर अगर आप दे पाए वीरेंद्र तो बताइए हमें। वीरेंद्र आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़िएगा और बताइएगा, फोन नंबर भी आपका जानेंगे, एप्लीकेशन नंबर भी और शिकायत जो की गई उसको लेकर भी जानकारी देंगे। संजय आहूजा जी राहत एक ज्योति जी बात मैं कहना चाहूंगा, ढींगरा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी किसान सड़कों पर है वो मिलने का समय नहीं देते, किसान मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है। आपके चैनल में मैंने मुलाकात की गई आज सत्यवान जी, ये बताइए सत्यवान जी क्या मिला उसमें और मुलाकात क्या मिला, बट ये क्या मतलब हुआ? ये भी बता नहीं, 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 क्या चर्चा की गई, क्या सहमति बनी मांगों को लेकर जिनको लेकर आप सड़कों पर हैं? हम हर प्रदेश में किसान आवाज उठा रहा है, जहां जहां आवाज उठाई हमको लाठी गोली का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अनफॉर्चुनेट 6 किसानों को गोली मारी गई और उनका शोक भी नहीं मनाने दिया। मध्य प्रदेश के किसान नहीं है क्या सर? जहां हम जा रहे हैं वहीं हमको रोका जा रहा है। आज भी हमको क्या जगह दी, गड्ढे में जहां कुत्ता भी बैठना पसंद नहीं करता। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जनाजा है। किसानों आज भी हम 2 घंटा बैठ कर आए, मुख्यमंत्री की तरफ से एक अधिकारी को भेजा गया, वो इतना ही कह पाए कि मैं मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी दे दूंगा। बिल्कुल, तो हम आए और चले गए, तो ये किसानों की आवाज नहीं सुनी। मुलाकात की सच्चाई है जिसका आपने दावा किया पैनल पर। संजय आहूजा जी सुना आपने, मैंने फिर बता रहा हूं जी, मैंने यहाँ पे चंदूनी जी बैठे थे, किसान नेता है वो भी, उन्होंने कहा जी मैं कितने चक्कर लगा लिया मेरे को मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने इस चैनल के माध्यम से कहा था आप सोमवार आइए और आज फोन आएगा मेरे पास। इस डिबेट को भी मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर हो गए और आज तक दोबारा संपर्क नहीं किया गया मेरे साथ। संजय जी आपने इसी चैनल पे एक बार वायदा ये किया था कि मैं कल तथ्य लेके आऊंगा, तथ्य भी आज तक नहीं आए। दूसरी बात पता क्या संजय जी, किसान आपकी प्राथमिकता में नहीं है, किसान आपकी प्राथमिकता में है ना, हरियाणा प्रदेश आपकी प्राथमिकता में है। संजय आहूजा जी आप चढ़ूनी की बात कर रहे हैं, बाकी किसान नेताओं की बात कर रहे हैं सर। हमारे साथ किसान नेता सत्यवान जी हैं जिनकी ओर से कहा गया कि अधिकारी मिलने आ गए, आपने कहा कि सीएम समय देते हैं, तो आज की ही बात कर लीजिए फिर, छोटा जवाब बिल्कुल।
देखिए आज अपना सेशन चल रहा था, अब उसमें एक बात अभी बात प्राथमिकता की है, बात प्राथमिकता की है, बात फिर प्राथमिकता की है जी। से बता दूं आप समय लेकर आएंगे तो मुख्यमंत्री जी जरूर क्यों डिग्रा साहब आखिरी कमेंट कर दीजिए। दस बार ये कोई प्राथमिकता नहीं है, देश जाने की प्राथमिकता नहीं है, अपने साथ में बिल्कुल सही सरकार की कलई खुल चुकी है और ये लोग किसान विरोधी सरकार है, ये चाहे देश के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर, ये तो किसान विरोधी सरकार है, ये तो चलिए समय हालांकि नहीं है सत्यवान जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की, आखिरी जवाब आप दीजिए। ये सरकार बड़े पूंजीपतियों की सेवा में है और किसानों का कचूमर निकाल रही है, गांव की आधे आबादी खेतीहर मजदूरों की है उनका भी कचूमर निकाल रही है। हम 200 किसान संगठनों ने एक मंच पर एक साथ आकर मोर्चा बनाया है, हम संसद के अंदर प्राइवेट बिल ला रहे हैं कि कर्ज मुक्ति का और साथ साथ हमारी फसल के 1.5 गुना दाम की गारंटी का, और हम प्रदेश प्रदेश में अपना अपना बैनर से भी आंदोलन कर रहे हैं, हम आज कर रहे हैं कल महाराष्ट्र में था और अभी जल्दी ही हम दिल्ली में बड़ा शुक्रिया सभी का वक्त देने के लिए, इस चर्चा में रहने के लिए। तो चर्चा ये की किसानों की स्थिति क्या है और कैसे बेहतर हो सकती है जब दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।